माय डियर फ्रेंड, ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये तीन चीज़ों के लिए। पहली बात तो 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आज टेक्निकल राउंड में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, टेक्निकल बंदे, साथ में मशीन ऑपरेटर, फिटर और मैकेनिकल के टर्नर के बंदे ये ज़रूर आज ऑफिस में रहेंगे। जिनको फूडिंग लॉजिंग चाहिए उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कटारिया का दोबारा से फाइनलाइजेशन होना है। जब कोई फूडिंग लॉजिंग दे रहा है तो वहाँ पर घंटे ये सब चीज़ें नहीं पूछनी है आपको। नेचुरल सी बात है, वहाँ पे आपको उसी हिसाब से काम करना है। लगभग वो 15 का आपके ऊपर खर्चा पड़ेगा, कंपनी का आपके ऊपर वो करेंगे। इसके अलावा जो लोगों को ये अब ये जो भी टेक्निकल आज यहाँ पे नहीं आ पाएंगे उनके लिए दूसरा ऑप्शन मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें फ्रेशर हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जो करने के लिए रेडी होंगे उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आज हो सकता है। जिनको इमीडिएट जॉब अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, फूडिंग भी है, लॉजिंग भी है, साथ में आपकी टेक्निकल के हिसाब से आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो मशीन ऑपरेटर हैं और जो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। दूसरी बात, वो कैंडिडेट जो कटारिया के अलावा इलेक्ट्रो जो मार्केटिंग इलेक्ट्रो जो लिमिटेड में जो रिक्वायरमेंट है वो 4 to 7 lakh, जो सीनियर बंदे हैं, जो जूनियर हैं मार्केटिंग सेल्स के, जिनको ऑटोमोबाइल, FMCG या इंडस्ट्रियल सेल्स का एक्सपीरियंस है, वो इस कंपनी में, मेरी अभी तिवारी जी से बातचीत हुई है, मैंने उनसे बोला है कि सर आपका अगर आना है पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मैं कैंडिडेट को आपका नंबर दे दूंगा, आप कैंडिडेट से बात कर लीजिए, उनसे व्हाट्सअप कर लीजिए। बट उन्होंने इस बात को कहा था कि जो लोग भी मुझे कॉल कर रहे हैं अपना नाम बताएंगे और आपका रेफरेंस जरूर यूज़ कर लेंगे। तो VK शुक्ला सर ने संस्कार सोसाइटी के मुझे आपका नंबर दिया और मेरा ये प्रोफाइल है। मैंने उनको पैकेज की बात भी बता दी है। जो कैंडिडेट मेरे भी टच में थे मैंने उनको एक दो लोगों का नाम बता दिया है। तो अपना जो लोग अभी चाहते हो इलेक्ट्रोजो में मार्केटिंग में पैकेज में 4 lakh to 7 lakh यानी कि 25+ के पैकेज में जो जाना चाहते हैं, इवन जो जूनियर लेवल पे भी FMCG के, इंडस्ट्रियल सेल्स के, ऑटोमोबाइल के, उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। अभिषेक सर को फ़ोन करके पहले तो एक मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा इलेक्ट्रो जो में इंटरव्यू कराने के लिए मुझे प्लीज़ से एक नंबर कर दीजिए, मेरा नाम ये है, मैं इस प्रोफाइल पे हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये पहले आप मैसेज करेंगे अभिषेक सर को। और अगर मैसेज करने के बाद में आप अगर फ़ोन करके नंबर ले सकते हैं, ये वो लोगों के लिए पैकेज है जो मार्केटिंग सेल्स में अच्छे एक्सपीरियंस के हैं, उनके लिए ये इमीडिएटली उनको इसमें कराया जा सकता है। तो आपको नंबर शेयर किया जाएगा, आपसे वो पूरी बात पूछेंगे, आप उनको पूरा एक्सप्लेन करिए कि वो क्या कर सकते हैं। कुछ इनका सोलर का बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सेल्स है उससे रिलेटेड ज़्यादा है, आप एक बार उनकी बात को पूरा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा जस्ट डायल का आज बहुत अच्छा इंटरव्यू 4 बजे है। मैंने कल रात में भी वीडियो अपलोड किया, मैंने अभी भी देखा, लोग वीडियो रेगुलर जो नहीं देख रहे हैं वो देख लें इस बात को। जस्ट डायल में जो मार्केटिंग के बंदे हैं, जो मार्केटिंग सेल्स के बंदे हैं, जो जस्ट डायल में 25-30 के पैकेज में काम करना चाहते हैं, अलग अलग एरिया भी, फरुखाबाद, लखनऊ, उन्नाव, सब अलग अलग एरिया के हैं, लगभग 10 से 12 UP के ऐसे एरिया हैं जिनमें वो लोग कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो बेसिकली मार्केटिंग सेल्स के लिए 25 पैकेज अलग है, 30 पैकेज अलग है, आपने क्या पूरा किया है क्या नहीं किया है उसके लिए ये आज के लिए इंटरव्यू आपके लिए बहुत फ़ायदा कर सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर आज आप जस्ट डायल में, इसमें इन्होंने लिंक शेयर कर दिया है, इसमें आप बेसिकली गूगल टीम में ऐप में आपका ये वीडियो कॉल के थ्रू, गूगल ऐप में, गूगल मीट के थ्रू आपका ये इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका इमीडिएट फाइनलाइजेशन के लिए हो जाएगा। क्योंकि जो इनके HR आए थे, इनके यहाँ पे इनके ब्रदर इन लॉ की डेथ होने की वजह से इन्होंने 1 हफ्ते का पोस्टपोन कर दिया था। इन्होंने कहा था आज सारे कैंडिडेट को कहिएगा कि जिन्होंने दिया भी है और जिन्होंने नहीं भी दिया वो सब पहली बार की तरह ही परफॉर्म करेंगे। तो ID पासवर्ड गूगल टीम का जो उसका दे दिया गया है कैंडिडेट्स को, जिन लोगों ने कल किया था, उस पर रिज्यूम आपको भेजना बहुत ज़रूरी है। पहले रिज्यूम और नाम में भेजेंगे, फिर उनको ID पासवर्ड हम भेज रहे हैं कि इतने इतने कैंडिडेट परफॉर्म कर रहे हैं। आज शाम को 5 बजे वो इंटरव्यू चालू हो जाएगा, 4 बजे आप रेडी हो जाएंगे फॉर्मल ड्रेस में से एक जगह बैठ करके, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, और रिज्यूम जरूर शेयर कर लें अभिषेक सर के मोबाइल पे। अभिषेक सर का जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है जो प्रोफाइल पे हैं वो सभी इसमें कर सकते हैं, बट नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनकी ID जनरेट नहीं है वो अगर कहीं से कुछ नंबर कर रहे हैं तो उनका पहले नंबर चेक हो रहा है, देखा जा रहा है, फिर उनको भेजा जा रहा है। तो इसलिए वो लोग गलती मत करें, पहले रजिस्टर्ड वाले बंदे के लिए, कुछ लोग एक दूसरे को शेयर कर दे रहे हैं, वो लोग भी अपने रिज्यूमे भेज रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए जो संस्कार सोसाइटी mysurejob.com में जिनकी ID बनी हुई है, वो लोग शेयर जो डेली जॉब अलर्ट्स में कर रहे हैं उनको ये एडवाइस करी जाती है, पहले ऑफिस में आइए, रजिस्टर्ड करने के बाद ID बनने के बाद ही कर पाएंगे। कुछ लोगों ने अलग अलग रेफरेंस में नंबर दे दिया है।
बीके पैकवेल का भी बता दीजिएगा। बीके पैकवेल का कल 10 आज है, कल 11 फरवरी को इंटरव्यू शेड्यूल किया गया है। परचेस जूनियर परचेस एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए कल है। ये आज कंफर्मेशन मैं भी उनसे ले लूँगा, कल उन्होंने मुझे भेज दिया, पहले से उन्होंने बता दिया था। उम्मीद मुझे है कि आप सबको याद होगा, अगर याद नहीं दोबारा से याद कर लीजिए, जिनको रिज्यूम उस हिसाब से बनाने हैं बात करनी है वो भी एक बार शेड्यूल कर लेंगे। 5 से 6 प्रोफाइल मैंने सारी बीके पैकवेल की दी थी, 10th को मैंने बोला था। आज अकाउंट का भी एवन मीडिया का सुबह इवेंट में का और अकाउंट्स का इंटरव्यू हो चुका है, और जिनका बचा होगा उनके लिए दोबारा से मैं उसी में बता दूंगा। जिनको जिनके जिन कंपनी में फॉलो, अभी मैंने उसमें कल कैरन इंटरनेशनल भी फॉलो किया था, कल उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने इस बात के लिए बोला है कि अभी 4 से 5 डेज के लिए सैलरी चल रहा का था, इसलिए वो रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। कुछ लोगों में इसमें उन्होंने उनको कुछ का फीडबैक दे दिया, कुछ का फीडबैक आज और कल में वो देंगी दोबारा से, कौन उसमें सेलेक्ट हुए कौन उसमें रह गए हैं। 3 से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो पाई थी कैरन इंटरनेशनल के एचआर से, मेजर मैंने बात बता दी अभी आपको, वहाँ के भी कुछ इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, कुछ इंटरव्यू उनके जिन्होंने दिए थे उनका रह गया है। मेजर जो बातें मुझे याद आ रही हैं मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। जस्ट डायल के लिए प्लीज़ डोंट मिस ऑफ टूडे गूगल ऐप में जो मीट गूगल मीट के थ्रू जो आपका इंटरव्यू होना उसको मिस मत करिए। सेल्स मार्केटिंग के सभी लोग, अच्छा है ख़राब है वो हमारे लायक नहीं है, वो बाद में देखिएगा, पहले अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट परफॉर्म करिए जिससे आपके लिए वो इंटरव्यू सक्सेसफुल हो पाए। वो अलग अलग सिटी के थोड़ा सा अपना एटीट्यूड नीचे रखिएगा, अगर वो काम आपको जिस तरह से बता रहे उसमें हाँ आपको करना है, आपको अपने पुराने एक्सपीरियंस से ढंग से बताने, एक्सप्लेनेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आप जो आपके लैपटॉप के थ्रू या मोबाइल के थ्रू जो गूगल ऐप में आप करेंगे वो आपका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो, लगे कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट और एक मेच्योर कैंडिडेट बात कर रहा है। मुझे लगता है मुझे इसे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने रिज्यूम शेयर फिर कर दीजिए, केवल जिनके रिज्यूम आए मेरे पास आज उन्हीं को हम जस्ट डायल में बैठने देंगे, जिनके रिज्यूम नहीं आए वो जस्ट डायल में नहीं बैठेंगे। कल कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को फ़ोन भी किया गया था, कल रात तक हम लोगों ने किया है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। आप लोग अपने आप को थोड़ा अपडेट भी करिए, अपग्रेड भी करते चलिए, केवल फ़ोन आने का इंतजार मत करिए, देखते भी रहिए। कई लोग फ़ोन आने का इंतजार कर रहे होते हैं, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर का कमल सेल्स में भी अभी इंटरव्यू है, व्यू लुकअप जिनको आता है उनको भी मैंने कंफर्म किया, एक कैंडिडेट बिलिंग में आज उसकी ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट हो गया, सेल्स में भी उसमें एक रिक्वायरमेंट है। तो जो लोग मारुति जेन्युइन में चाहते हो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफाइल में, उनके लिए भी आज ज्वाइनिंग्स है, वो आ सकते हैं। myshortjob.com में भी कुछ फीमेल टेलीकॉलिंग हमारे यहाँ पे भी चाहिए, हमें अपने सपोर्ट के लिए लोग वॉलेंट्री करें, दान करें, श्रमदान करें, बट उनको एक स्टाइपेंड देंगे, हम सैलरी देंगे। ट्रेनिंग जो बनना चाहते हैं, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो एक साल टाइम देना चाहते हैं संस्कार सोसाइटी myshortjob.com में प्रोफाइल मैचिंग में, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोफाइल में, टेलीकॉलिंग में, उन लोगों के लिए स्वागत है। जो शाम को पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं 5 से लेकर 9 तक, वो कर लें, बट बड़ी बड़ी उम्मीदें लेकर के नहीं आए कि हमको 20,000-25,000 का पैकेज मिल जाएगा। संस्कार सोसाइटी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोग श्रम दान करेंगे अपना, हम उसके हिसाब से आपका स्टाइपेंड कर लेंगे। जिनको कुछ जो फ्रेशर कैंडिडेट है ये उनके लिए है, कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जिनके रिज्यूम में कुछ आ जाए, मेल नहीं आता है, भेजना सेंड करना नहीं आता है, फ़ोन से बात करना नहीं आता है, प्रोफाइल मैचिंग नहीं आती, उनको सिखाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं पार्ट टाइम फुल टाइम में, ये किदवई नगर के आसपास के लोग, दूर दूर के लोग नहीं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। एक वर्किंग टाइमिंग है 9 से लेकर 7 तक में, एक टाइमिंग है 3 से लेकर के रात में 9 बजे तक में, क्योंकि 2 शिफ्ट हम लोग काम कर रहे हैं। अभिषेक सर रात में 10 बजे तक रहते हैं, तो जो लोग अच्छी कॉलिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, आपके रेफरेंस में है और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैंने ट्रेनिंग कोड इसलिए किया, एक IT कंपनी भी है जिसमें उनकी कॉल आई थी, जो फीमेल IT से हैं, डेवलपर प्रोफाइल में है, MCA BCA किया है, सीखना चाहती हैं, तो एक कंपनी में अभी मेरी बात हुई, एक्सपोर्ट हाउस एक है जिसमें वो ट्रेनी की तरह रख करके उनको ट्रेन करके स्टाइपेंड भी देंगे और सिखाएंगे भी। तो फीमेल जो IT के हों उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग शेयर कर सकते हैं। दादानगर की एक एक्सपोर्ट हाउस है, जो वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, जो BCA MCA वाले हैं उनके लिए एक ऑप्शन ओपन हुआ है, एज ए ट्रेनी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़, myshortjob.com देखते रहिए, लोगों के साथ जरूर शेयर करते रहिए, आज का मौका मिस मत करिएगा, बता दीजिएगा क्योंकि दोबारा से मौका नहीं आएगा। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।